नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। धनबाद में जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हाजी हसीफ खान के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह था, दिवसीय पूरे राज्य स्तर पर सभी जिला में कार्यकर्ताओं की बैठक थी, कार्यकारिणी की बैठक थी, जिला कार्यकारिणी की। इसी समय में हम यहाँ के प्रभारी थे, सतारा जिला के। इस बैठक में क्या क्या मुख्य चर्चा हुई? मुख्य चर्चा हुई कि 28 तारीख को गवर्नर हाउस पर धरना देना है, पूरे राज्य के कई लोग जाएंगे, इसलिए में यहाँ तैयारी के संबंध में बातचीत। उस धरने में मुख्य मांगे क्या रहेगी आपकी? यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, झारखंड में भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर। इस जिला में जदयू के नींव को मजबूत करने के लिए क्या आप लोग कुछ ऐसा? सारे अभी तो कमेटी बनाने के लिए हमने कर दी है, जिला कमेटी बनेगी और प्रखंड स्तर की कमेटी बनेगी, सारे लोगों को मिला जुला कर काम करने का। जी, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न हुई, बोलिए। आज हम लोग के पूरे प्रदेश में बोकारो जिले में हम लोग कार्य समिति की बैठक रखे थे। बैठक में हमने आज पदाधिकारी 14 पदाधिकारी और 15 कार्य समिति सदस्य का हमने सभी जारी कर दिया है, सभी को मनोनीत करके हम लोग कार्यभार सौंपा गया कि आप लोग इसमें संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए। और रांची में 28 तारीख को जो राजभवन के समक्ष धरना है, उस पर हम लोग यहाँ से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें, हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच कर हम लोग खीरू माता जी का उनको हाथों को मजबूत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।